साइबर सेल और थाना सहजनवा के संयुक्त टीम द्वारा खाते से ऑनलाइन 75,000 रुपए की फर्जी तरीके से धन निकासी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1 जियो राउटर और घटना में प्रयुक्त सिम बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अमोद कुमार शुक्ला उर्फ दीपक शुक्ला पुत्र योगेंद्र नारायण शुक्ला निवासी नगरा थाना पीपीगंज, निखिल रंजन पुत्र राजेश कुमार निवासी तारामंडल थाना रामगढ़ताल, अभिषेक मौर्य पुत्र जवाहर मौर्य निवासी भरवलिया तारामंडल थाना रामगढ़ताल और आनंद गौड़ पुत्र गोरख प्रसाद गौड़ निवासी बनौड़ा थाना सहजनवा के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना सहजनवा प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार, साइबर क्राइम सेल प्रभारी उप निरीक्षक महेश कुमार चौबे, साइबर क्राइम सेल आरक्षी शशि शंकर राय, शशिकांत जायसवाल और महिला आरक्षी नीतू नाविक शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, ये प्रेस वार्ता ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित है। इस ऑनलाइन फ्रॉड में जो 75,000 का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में 2 बातें हैं, या तो बहुत दूर रह करके कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा, या कोई अपना मेरे आसपास ही रह करके वो फ्रॉड कर रहा, मतलब ये फिलहाल ये जो आज का मामला है विश्वासघात करके। बाकी तो साइबर फ्रॉड इसमें काफ़ी बढ़ा हुआ है और नए नए तरीके से लोग अपना लोगों को ठग रहे हैं। इस मामले में एक आवेदक हैं अभिषेक, ये कृष्ण कुमार, इन्होंने 13 जनवरी को आवेदन किया था कि मेरे बैंक अकाउंट से 75,000 रुपया ये निकल गया, जिसकी इनको जानकारी नहीं। जिसकी जांच करते करते फिर उसमें अल्टीमेटली ये जानकारी मिली, जब उसमें हम लोग तह में गए, उनके अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 2 मोबाइल का क्रय किया गया, वन प्लस का, 1 40,000 एक रुपया कम और 1 35,000 एक रुपया कम, कुल मिलाकर ये 74,998 रुपये का 2 मोबाइल क्रय किया गया था। इसमें जो एक मेन अभियुक्त हैं आमोद कुमार शुक्ल, ये इनके पास काम करने आते थे, जिनको एटीएम का संचालन भली भांति जानकारी नहीं थी, उनके इस अज्ञानता या इस कम जानकारी का फायदा उठाते हुए इन्होंने उस बंदे का अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग चालू कर लिया। इंटरनेट बैंकिंग चालू करके फिर अपना ये मोबाइल 2 मोबाइल खरीदे, और 2 मोबाइल खरीदने के बाद 2 लोगों को इन्होंने अपना क्या डिस्पोज किया, जैसे जो 40,000 वाली मोबाइल थी उसको 30,000 में इन्होंने बिक्री कर दिया एक निखिल रंजन को। तो निखिल रंजन जो है 30,000 ले करके भाई सोहावे जो 40,000 के ब्रांडेड नया मोबाइल 30,000 में ले रहे हैं, उनको भली भांति जानकारी है कैसे क्या चोरी का माल है। और ये फिर निखिल रंजन ने 2,000 रुपये का फ़ायदा उठा करके, जो अभी तक के वैसे प्रारंभिक बातचीत से सामने बात सामने आई है, तो ये अभिषेक मौर्य को इन्होंने बिक्री कर दिया। फिर अभिषेक मौर्य ने इसको ओ एल एक्स पे अपना बिक्री किया, जिस पे इन्होंने अपना आधार कार्ड नंबर लगाया, अपने पिताजी का आधार कार्ड नंबर लगाया, वो कहीं बाहर चला गया। फिलहाल उसकी बरामदगी का कार्रवाई हम लोग कर भी रहे हैं। इस प्रकरण में जिस आमोद कुमार शुक्ला ने जिस राउटर का इस्तेमाल किया था, जिस सिम का इस्तेमाल किया था, बाकी हर जगह इन्होंने आवेदक का ही नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन इंटरनेट का जो इस्तेमाल इन्होंने किया वो उनका अपना अकाउंट था, उसी से वही इस जालसाजी ने पकड़ में आए, नहीं तो हर जगह हर ट्रांजैक्शन में कृष्ण कुमार का नाम आ रहा था। तो इस तरह से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 1 अभियुक्त अभी वांछित चल रहे हैं, और ये अभी राउटर की बरामदगी हुई है, सिम की बरामदगी हुई है, और दोनों मोबाइल की भी बरामदगी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, और 1 अभियुक्त हमारे वांछित चल रहे हैं। नहीं, फिलहाल अभी और जानकारी कर रहे हैं, फिलहाल
ये हाँ ये भी बताना चाहेंगे, जो आमोद कुमार शुक्ल हैं ये इन्होंने बीएससी किया आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आईटी किया, फिलहाल ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में भली भांति विज्ञ हैं, ये जानकार आदमी हैं और अपने इस जानकारी का ही इन्होंने गलत उपयोग दुरुपयोग करते हुए एक साइबर अपराध कर डाला पूरा, इस पर जानकारी कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा क्या कार्य करते हैं? नहीं नहीं इसके अलावा मतलब ये इस अपराध में पकड़े गए हैं, इस अपराध में इनका नाम प्रकाश में आया है और विवेचना से बहुत ढेर बातें और स्पष्ट हो सकेंगी।